हे गाइस, वेलकम टू मैथा वीडियो। तो भाई आज का जो वीडियो है कॉम्पोजिशन ड्राइंग के ऊपर होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, कॉम्पोजिशन ड्राइंग के ऊपर होने वाला है। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे भाई कॉम्पोजिशन ड्राइंग के ऊपर एक वीडियो लाओ, तो भाई ये वीडियो उसके बारे में, ये वीडियो को पूरा देखो। भाई कॉम्पोजिशन ड्राइंग ना एट कॉलेज में एडमिशन टेस्ट जो होता है ना, उनमें बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉम्पोजिशन ड्राइंग। तो भाई पूरा वीडियो देखो, आपको पूरा सीन समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ डिटेल्स में काम करूंगा इधर, और एनाटॉमी वगैरह के ऊपर कुछ कुछ टिप्स वगैरह दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखो और एक लाइक करो। सो इस पहले में बता दे दो, आपको ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और आपको वाटर कलर कंपोजिशन करने के लिए लगभग 2 आवर मिलेगा, ठीक है। उसमें ही आपको आपका सब्जेक्ट सोचना भी है, उसको ड्राइंग भी करना है, उसके बाद उसको कलर भी करना है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊँगा, उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसमें 3 फिगर तो देना ही है। वो कॉलेज से बोल दिया जाएगा कि आपको कम से कम 3 फिगर देना है और 1 एनिमल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट चूज करना आप जिसमें जो 3 फिगर होगा ना भाई, वो बहुत ही बोल्डली आपके सामने आए आपके पेंटिंग में, ठीक है, वो ज़्यादा दूर में नहीं जाए, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और उसके बाद और एक पॉइंट है जिसमें दिखाएंगे आप लोग जो जो फिगर आप जो आपका मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो जो मेन किरदार आप लोग चूज़ किए हो इधर, वो थोड़ा सा मूवमेंट के ऊपर रहे, ठीक है, उसका थोड़ा सा इंप्रेशन वगैरह हो, उसको थोड़ा सा एनाटॉमी वगैरह अच्छे से दिख जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। और भाई टाइम बचाने के लिए और क्या करना है भाई, पहले रैपिडली स्केच कर लेना है। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ, पहले उसका डिटेल वगैरह नहीं कर रहा हूँ, उसका जो आइज़ वगैरह है, उसका उंगलियाँ वगैरह पहले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ उसका रैपिडली एक फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करूँगा, ठीक है। पहले अच्छे से सोच लेना है, ठीक है, आप किधर क्या क्या करेक्टर दोगे, ठीक है। जैसे कि एक मैं इधर एक सब्जेक्ट जो चूज़ कर रहा हूँ ये कि बाज़ार है, ठीक है। बाज़ार में क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्जी बेचते हैं, और कुछ कुछ लोग हैं जो सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। देख सकते हो जो फिगर उधर सिटिंग पोस्चर में, ठीक है, सिटिंग पोस्चर में वो उधर सब्जी बेच रहे हैं, और इधर जो राइट साइड में एक लेडी कैरेक्टर दिख रहा है, वो अपने पार्ट से कुछ मनी वगैरह निकल रहा है, ठीक है। और एक बात भाई, ऐसे अपना कंपोजिशन को कंपोज करना है जैसे कि उधर कुछ स्पेस वगैरह हो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई हर जगह पे फिगर दे दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे भीड़ कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, अपने पेंटिंग में फ्री स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और भाई जो जो कैरेक्टर आप लोग चूज करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका एनाटॉमी अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है, और उसका पोस्चर वगैरह एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि नेचुरल लुकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका हाथ उधर चला गया, कुछ अलग टाइप की लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल लुकिंग आना चाहिए, जैसे कि एक बाज़ार में होता है, जैसा काम होता है, ठीक है। उधर जो नियर बाई चीज़ वगैरह रहता है, जिसकी बहुत सारे बास्केट वगैरह हो गया, आलू प्याज वगैरह, ठीक है, बीट गाजर कुछ कुछ हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जी वगैरह को अच्छे से डिटेल में ड्राइंग करना है, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जो फिगर आप लोग करोगे उसका मेजरमेंट एकदम प्रोमिनेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, उसका हेड छोटा हो गया और हेड बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम प्रोमिनेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। का यही तीनों कैरेक्टर के ऊपर अपना पेंटिंग डिपेंडेंट है, ठीक है। ये तीनों कैरेक्टर आपका अच्छा हो गया तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड का पोर्शन बाद में आते हैं, ठीक है, पहले आपका जो फ्रंट ग्राउंड पोर्शन है ना, उसको अच्छे से अच्छे तक ड्राइंग करना है, ठीक है। जैसे कि आपको व्यूअर्स को पता चले भाई ये क्या करा है, ये बंदे ने बहुत अच्छा ड्राइंग करा है, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। और एक बात भाई, अपना ड्राइंग अच्छा हुआ तो कलर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई ड्राइंग बुरा करा, भाई कलर में बहुत ज़्यादा फाड़ देंगे तोड़ देंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। अपना ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग अच्छा हो गया तो कलर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पास में देखो भाई, मैंने पीछे की क्या क्या चीज़ करा है, उधर थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे बास्केट वगैरह रखा है, ठीक है, इसे देख के पता चल रहा है नहीं ये एक मार्केट है, ठीक है, सामने एक। और एक बात भाई, अपने पेंटिंग में ना नेचुरल फीलिंग्स होना चाहिए। जैसे कि बैकग्राउंड में मैं एक टैक्सी वगैरह और बस वगैरह काट देता हूँ, तो क्या लगेगा भाई, ये एक ऑड फीलिंग्स लगेगा, क्या कोई बस स्टैंड पे बैठकर कुछ सब्जी वगैरह बेचता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक मार्केट में क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या होता है, बहुत सारे और भाई छोटे छोटे लोग वगैरह होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा दूर में होता है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है जो जो सब्जी बेचते हैं, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ और टाइप कैरेक्टर मैंने इधर दे दिया और दिखने में भाई कुछ एबनॉर्मल लगे, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। आपको नेचुरल फीलिंग्स लाना चाहिए पेंटिंग में, ठीक है। और इसलिए क्या करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पॉट को विजिट करो, ठीक है भाई, बहुत सारे टाइम विजिट करो, उधर देख के आपको पता चल जाएगा भाई इधर क्या होता है। अब वो तब सोचना, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इधर क्या करो भाई, इधर क्या करो, ज़्यादा सोचना नहीं है, तब इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा भाई इधर ये करने से अच्छा हो जाएगा मेरा पेंटिंग, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ काम वगैरह करना है। बैकग्राउंड में कुछ छोटे छोटे दुकान वगैरह दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाजार में ये सब होता है भाई, बहुत दूर छोटे छोटे दुकान वगैरह होता है और छोटे छोटे लोग वगैरह होता है जो भाई दूर में कुछ खरीदते बेचते, ऐसा कुछ, ठीक है।
अच्छे से देखो। और भाई मैंने जो पहले कहा था, पहले डिटेलिंग नहीं करना है, और भाई आपने पेंसिल के स्ट्रोक को बहुत ही धीरे धीरे अप्लाई करना है, ठीक है भाई। और एक इम्पॉर्टेंट बात भाई, आपने पेंटिंग में ना पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या है, जिससे पता चलता है भाई ये चीज़ सामने है और ये चीज़ दूर में है, ऐसा कुछ चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक ही लेयर में पूरा पेंटिंग आपका हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें पर्सपेक्टिव होना चाहिए और भाई सामने के चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इधर जो जो सब्जियाँ वगैरह लोग बेच रहे हैं उसको भी डिटेल में दिखाना है, ठीक है। जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए उधर गोभी वगैरह कुछ रखा है और बास्केट में मैं कुछ आलू प्याज वगैरह गाजर वगैरह कुछ करूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए आगे आगे। सो इस और एक बात भाई, मैंने सोचा है कि मैं एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करूँ इधर, ठीक है। तो भाई इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है भाई, आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग चेक करेंगे तो उधर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है। और ज्वाइन होने के बाद आपको क्या करना है, अपना अपना पेंटिंग उधर सेंड करना है। और भाई आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एक मार्केट, ठीक है। मैं जो इधर ड्राइंग कर रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने टाइप से कुछ कंपोज करके उसको अच्छे से कलर करके पोस्ट करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आपका टाइम है 2 दिन, ठीक है। मैं नेक्स्ट 2 दिन तक वेट करूँगा, उसके बाद मैं विनर चूज़ करूँगा। और भाई जो विनर होगा उसको मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में उसका पेंटिंग में दिखाऊंगा और उसका नाम भी मैं अनाउंस करूँगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वाला कॉम्पिटिशन। तो भाई मैं चाहता हूँ भाई आप लोग ज़रूर हिस्सा लो इस कॉम्पिटिशन में। तो क्या करना है, पहले भाई अपना एक अच्छे से ड्राइंग करो और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर उधर पोस्ट कर दो, ठीक है। मैं भाई चूज़ कर लूँगा उधर से जो पेंटिंग अच्छा होगा। और हाँ भाई, अपने अपने पेंटिंग के नीचे अपना अपना सिग्नेचर ज़रूर करना, ठीक है। सिग्नेचर से ही भाई पता चलेगा भाई ये पेंटिंग आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो भाई ज़रूर सिग्नेचर करना और उसके बाद भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देना, मैं उधर से चूज़ कर लूँगा। सो गाइस देख सकते हो इधर मैं बैकग्राउंड में कुछ छोटे छोटे फिगर वगैरह करा है और इससे देख कर अच्छे से पता चल रहा है भाई ना ये एक मार्केट है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से पता चल रहा है। और भाई इसमें छोटे छोटे कुछ डिटेल करना है। और भाई देखो मैं इधर डिटेल ऐड कर रहा हूँ, कुछ गजर वगैरह कर रहा हूँ उधर, कि सब्जियाँ वगैरह रखा है सामने, भाई उसको डिटेल में करना है। मैं पहले भी कहा था, अब भी कर रहा हूँ, जो जो चीज़ सबका सामने होगा उसको डिटेल में करना है। जैसे कि एक एक बास्केट आपको डिटेल में करना है, उसके ऊपर जो सब्जी वगैरह है उसको भी डिटेल में करना है। और भाई बैकग्राउंड की चीज़ों को उतना भी ज़्यादा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, उतना डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई सामने की चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्यूरेटली करना है। और भाई आपका जो मेन 3 कैरेक्टर है उसको भाई अच्छे से करना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके ऊपर ही आपका पेंटिंग पूरा डिपेंडेंट है, उसको अच्छे से करना है। उसका जो फेस है, उसका इमोशन वगैरह अच्छे से पता चलना चाहिए, ठीक है। भाई देखो मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, देखो भाई इसका इमोशन कितना अच्छे से पता वगैरह चल रहा है उसका फेस को देखकर, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ड्राइंग होना चाहिए, ठीक है। और गाइस मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों में से हर एक लोग भाई ये कंपटीशन में हिस्सा ले, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस देखो कंप्लीट होने के बाद मेरा ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा था, भाई देखो अच्छे से पता चल रहा है भाई हर एक चीज़ एक बाजार का। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और भाई अच्छा लगे तो एक लाइक करो भाई। आप लोग एक एक लाइक से भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जानते हो। तो भाई एक लाइक करो और कमेंट बताओ वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल वगैरह लगा तो भी बताओ। और भाई मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप तो ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बहुत सारे बातें वगैरह होता है, बहुत सारे पेंटिंग वगैरह सेंड करता हूँ उधर, ठीक है। और भाई इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, बहुत सारे पेंटिंग वगैरह उधर सेंड कर, जो भाई वीडियो में बनाऊंगा उससे पहले उधर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है और भाई पेंटिंग वगैरह भी उधर आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो भाई ज़रूर फॉलो कर लो मुझे, नीचे लिंक दे दिया है। और जो जो चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे इस फेस को पहली बार दिख रहा हो, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर का बटन नीचे, उसको सब्सक्राइब कर दो। और